तदरीसी मकासिद क्या है? तदरीसी मकासिद, आज आप क्लास अटेंड करना चाह रहे थे तो क्या आपने सोचा? इसके बारे में कुछ हमारी जो पेडागोजी ऑफ साइंस है उसके बारे में कुछ मालूम हासिल करना क्लास अटेंड कर रहे थे। आप हासिल करना चाहते हैं जो बुक में जो मालूम। देखिए दो नजरियात हो सकते हैं, मेरे नजर से मैं देखूं तो आपको मालूमात फराहम करूं, ये मेरा मकसद हो सकता है, या मेरा मकसद एज अ टीचर ये हो सकता है कि मैं चाहूंगा कि आप, मैं जो मालूमात बता रहा हूं आपको वो दोबारा मुझे बताएं या उसके जरिए नए एक को तलाश करके मेरे सामने पेश करें। ठीक है, ये मेरा मकसद होगा। कहीं पर भी आप जाना चाह रहे हैं तो जाने का कुछ मकसद होता है, कुछ सुन रहे हैं तो कुछ सुनने का मकसद होता है। तदरीस में जो टीचर्स तय करके जाते हैं वो तदरीसी मकासिद कहलाते हैं। तदरीसी मकासिद जिन्हें सीखने के मकासिद या सीखने के मकासद या तर्ज अमल के मकासद के नाम से भी जाना जाता है। ये जैसे ये है कि तालिब इल्म एक ब्यूरेट और पिपेट में फर्क बयान करेगा। तालिब इल्म रोशनी या नूर और मिकनातीस में फर्क वाजा करेगा। ठीक है, तो मुझे पहले से तय करना है अगर मैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दूँ तो तालिब इल्म मिकनातीसी और गैर मिकनातीसी अशिया को अलग अलग करके रखेगा। ठीक है, इस तरह से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि व्हाट स्टूडेंट इज गोइंग टू डू, वो जो भी करेगा वाजा होना चाहिए और हमारे बयान जो है वाजा के साथ जामे बयान था जो ये बयान करते हो कि तालीम मुकम्मल करने के बाद सीखने वाला व्हाट स्टूडेंट विल डू, वो सीखने के अमल के लिए एक रोड मैप के तौर पर काम करते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, हम आज की तदरीस में ये आगे बढ़ के ये हासिल करेंगे, एक रोड मैप फराहम करते हैं। मैं ये जानने में कामयाब रहूँगा कि मेरे तालिबे मुझे तदरीस में मकासिद क्या है ये बतलाएं। असातिजा और सीखने वाले दोनों को हिदायत फराहम करते हैं। अगर मैं तदरीसी मकासिद के बारे में कह रहा हूँ तो मेरा क्लास खत्म होने होने तक आप ये बयान कर सकेंगे मुझे कि तदरीसी मकासिद क्या है। अगर तदरीसी मकासिद का देखें, जिंदगी क्या बिना मकसद की हो सकती है? क्या हो सकती है? क्या आपकी जिंदगी जीने का कोई मकसद तो होगा? जी इसी तरह से उस्ताद पढ़ाता है तो पढ़ाने का मकसद होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा सर। आप अपने किसी खराब दोस्त के साथ रहते हो तो कोई मकसद होगा कि नहीं? आपको खुशी मिलती है, राहत मिलती है, मालूमात मिलती है, कुछ तो मकसद होगा ना जिसके तहत आप रहेंगे। जिंदगी के भी मकासद होते हैं, तदरीस के भी मकासद होते हैं। जिंदगी के मकासद वसी तर होते हैं, तदरीस के मकासद खुसूसी तौर पर। यह है तदरीसी मकासद की अहमियत क्या है। अगर आप तदरीसी मकासद मकसद तय करें कि तो आपका गोल सेटिंग होगा, आप गोल तय करेंगे, हदफ तय करेंगे और उसी से आगे प्रोग्रेस करेंगे। करिकुलम डिजाइन और उसका अलाइनमेंट, अगर मुझे डेमोक्रेटिक वैल्यूज पैदा करना है तलबा के अंदर तो मैं डेमोक्रेटिक वैल्यू को पैदा करने वाला एक माहौल पैदा करूंगा ताकि तमाम तलबा अपने अपने चीज़ें पेश करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ एक क्लास में 30 तलबा है, 30 तलबा अपना टिफ़िन लाते हैं, मैं उनको लिस्ट आउट करने कहूँ कि आपने क्या क्या लाया है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, मैं खाने के मुख्तलिफ अकसाम को बता रहा हूँ, वेजिटेरियन फूड क्या है, नॉन वेजिटेरियन क्या है, लीव्स वाला क्या है, दूसरी तरकारी वाला सब्जी क्या है, तो इस तरह से हर एक को एक वैल्यू भी कदर भी दे रहा हूँ, जमहूरी तौर पर कह रहा हूँ कि ये सब खाने की चीज़ें हैं और हेल्दी डाइट से, तो इस तरह से हमारा
करिकुलम भी डिजाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी और असेसमेंट, अगर मेरा मकसद तय है तो मैं उसी से गामजन रहूंगा और वही जांच करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे मालूम करना है कि मिकनातिस क्या है तो मैं मिकनातिस के बारे में ही पढ़ाऊंगा और मालूम करूंगा तलबा से कि बयान करो मिकनातिस क्या है। अगर मैं कहूंगा कि बरकी रू क्या है और उम्मीद करूंगा कि मिकनातिस का जवाब मुझे मिले, ये मुमकिन नहीं है। या मिकनातिस पढ़ाऊंगा फिर बरकी रू के बारे में सवाल करूंगा तो जवाब मुख्तलिफ आएंगे। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और असेसमेंट में भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स मदद करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो या गोल्स हो। लर्नर मोटिवेशन और एंगेजमेंट, अगर आपको मालूम है आप उस मुकर्रर का या उस खतीब का खुतबा सुनना पसंद करते हैं जिसका एक मखसूस ऑब्जेक्टिव है, बगैर ऑब्जेक्टिव के अगर कोई आके कुछ भी कहता रहे, जैसे मैं ही आपको बगैर सर और पैर की एक डेढ़ घंटे की बात करूंगा तो आप शायद पसंद न करें। तो मोटिवेशन और एंगेज रखने के लिए भी मकासद का तय करना जरूरी है। कम्युनिकेशन और इवैल्यूएशन के लिए भी मकासद तय किए जाए। तदरीसी मकासद की ज़रूरत क्या है, क्यों होने चाहिए? अगर तदरीसी मकासद हो तो आप एनहेंस्ड और फोकस डायरेक्शन में जाएंगे, आप एनहेंस्ड और फोकस डायरेक्शन में जाएंगे, आप इधर उधर भटकने की आपकी गुंजाइश नहीं होगी। जैसे घोड़े के दोनों आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो सीधे डायरेक्शन में जाता है, आपके मकासद आपको सीधे डायरेक्शन में ले जाने का काम करते हैं। इम्प्रूव्ड करिकुलम डिज़ाइन और अलाइनमेंट मुमकिन है। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी और असेसमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि करिकुलम भी अच्छे से तैयार किया जा सकता है और तदरीस भी मौजूद तरीके से की जा सकती है। मोटिवेशन और एंगेज भी, पिछली स्लाइड्स में भी मैंने बताया, क्लियर कम्युनिकेशन पॉसिबल है। देखिए अगर मुझे बताना है मिकनातिस के बारे में तो मैं मिकनातिस को ही बताऊंगा। अगर मुझे डिस्कस करना है, समझिए मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और इवैल्यूएशन भी क्लियर है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, अब मैं चलते चलते आपको पता चले कि क्लास में कुछ बच्चे इंटरेस्ट दे रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं अपनी तदरीस को भी उसी तरह से शेप करने की कोशिश करूँगा, या तो बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा या तो खत्म कर दूंगा। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रोथ मुमकिन है। मकासद कैसे तय होंगे, आप जाने के आपके ऑडियंस कौन है, आप जाने के उनका बिहेवियर क्या है, आप ये तय करें कि क्या कंडीशंस हैं जिनके तहत जो है ये मकासद हासिल किए जा सकते हैं, किस हद तक हासिल किए जा सकते हैं, ये डिग्री आपको बताएगी। चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तदरीस मकासद के लिए, आपकी ऑडियंस, उनका बर्ताव, शरायत और उनकी डिग्री, हासिल करने की डिग्री। मौसर तदरीसी मकासद की खसूसियात क्या है, अगर कोई इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव है तो उसकी खसूसियत है कि वो स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, अटेनेबल होगा, रिलेवेंट होगा और एक मखसूस टाइम में उसको हासिल किया जाएगा। तदरीस मकासद को लिखना और इनका इत्तलाक, कैसे लिखा जाता है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिनको सिर्फ हम लिख सकते हैं या हायर लेवल एजुकेटर्स लिख सकते हैं, टीचर्स नहीं लिख सकते, आप लोग लिखते रहते हो हमेशा। पहले आइडेंटिफाई करें कि आपके टारगेट ग्रुप क्या है, आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, आप लर्निंग आउटकम्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलूबा नतज सीखने के नतज क्या है, एक्शन वर्ब्स को यूज करें, तालिब बयान करेगा, वजाहत करेगा, लिखेगा, ड्रॉ करेगा, एक्शन वर्ब्स ड्रॉ करेगा, यानी कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है और ये एक्टिविटी जो है किन किन हालात में हो रही है। देखिए 10 प्रॉब्लम्स दूंगा, 4 सॉल्व करेगा, 10 इंस्ट्रूमेंट्स दूंगा उसमें से 3 इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफाई करेगा, शरायत हालात मुतवक्का कारकर्दगी कितनी है, 10 में के 10 तलबा 8 चीजें सही बतलाएंगे या 10 में के 8 तलबा 8 चीजें सही बताएंगे, ये हमारी शर्त होगी। मुतवक्का कारकर्दगी क्या है,
वजाहत और पैमाइश के लिए मकसद का जायजा लें। फिर इस तरह से अगर देखें हम तो बहुत सारे मकासद हैं। मकासद को भी जैसे हमने स्कूल को क्लासेस में, स्कूल को लेवल्स में, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में ये क्लासिफाई किया है, इसी तरह से मकासद को भी क्लासिफाई किया गया। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उसको कहते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम थोड़ा सा, मैं इसके बाद वाले और एक स्लाइड पे, लेकिन शायद वक्त कंप्लीट हो चुका है तो देखते हैं, अगर देखा जा सके तो देखेंगे, नहीं तो खत्म कर देते हैं। तदरीसी मकासद को तशखीस और सरगर्मियों के साथ तरतीब दिया जा सकता है। तदरीसी मकासद का तजिया करें, मुनासिब तशखीसात की निशानदेही करें, फिर इस तरह से सबबंदी की तासीर का अंदाजा करें। एप्लीकेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन लेसन प्लान डेवलपमेंट। लेसन प्लान या करिकुलम डेवलपमेंट में अप्लाई करना जरूरी होता है, बगैर उसके करिकुलम आपका तय नहीं होता। ये कुछ चीजें हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि तदरीसी मकासद की अहमियत है, हमें फोकस और डायरेक्शन फराहम करती है, इंस्ट्रक्शनल डिसीजन देती है, एनहांस लर्नर मोटिवेशन होता है, फैसिलिटेट असेसमेंट और इवैल्यूएशन है, सपोर्ट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। फिर उसके बाद ये चीज़ें हमने देख ली। तो इस तरह से तालीमी तकनीकी तहकीकी बसीरत तहरीकी और तंजीमी वीडियोस फराहम करता है। मजीद बसीरत हासिल करने के और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।